नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते आज की कुछ खास खबरें। डॉन करीम लाला से मिली थी इंदिरा गांधी, संजय राउत। शिवसेना संजय राउत ने एक हैरान करने वाला खुलासा किया है। ऐसा खुलासा जिससे महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना गठबंधन में गांठें पड़ सकती है। शिवसेना नेता संजय राउत ने खुलासा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक समय के अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला से मिलने खुद उसके इलाके पाए धुनी में जाया करती थी। राउत ने ये बात पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में साक्षात्कार देते हुए कही। संजय राउत इस बातचीत के दौरान मुंबई के अंडरवर्ल्ड की यादें ताजा कर रहे थे। इस क्रम में उन्होंने कहा कि मुंबई का अंडरवर्ल्ड एक समय शिकागो के अंडरवर्ल्ड से भी ज्यादा खतरनाक था। दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और शरद शेट्टी जैसे डॉन की मुंबई एवं उसके आसपास के क्षेत्रों पर अच्छी पकड़ हुआ करती थी। अंडरवर्ल्ड तय करता था कि मुंबई का पुलिस आयुक्त कौन होगा या मंत्रालय में कौन बैठना चाहे। डॉन हाजी मस्तान जब मंत्रालय जाता था तो उसे देखने के लिए पूरा मंत्रालय नीचे उतर आता था। यहां तक कि खुद इंदिरा गांधी भी तब के अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला से मिलने उसके इलाके पायधुनी मिलने जाया करती थी। 1960 से 1980 के बीच करीम लाला मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा नाम था। वो कच्ची शराब की भट्टियां और जुए के अड्डे चलवाता था। तस्करी में उसकी हाजी मस्तान से होड़ रहती थी। संजय राउत इसी डॉन से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इलाके में जाकर मिलने का खुलासा कर रहे थे। इसी बातचीत में संजय राउत ने अंडरवर्ल्ड के लोगों से स्वयं अपना सामना होने का भी खुलासा किया। उन्होंने बताया कि दाऊद इब्राहिम सहित कई अंडरवर्ल्ड डॉन से उनका सामना हो चुका है। दाऊद से न सिर्फ वो मिले हैं, बात की है, बल्कि उसे फटकार भी लगा चुके हैं। राउत कहते हैं कि प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री या कोई गुंडा हो, मैं किसी से नहीं डरता। यदि आप डरेंगे नहीं तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। राउत कहते हैं कि एक समय लोग मुझे भी गुंडा कहते थे। ठीक है, गुंडा मतलब अच्छा काम करने वाला व्यक्ति। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।